ये 10 तारीख की रात में सौरभ जो भाई का नाम सौरभ यादव को कुछ लोगों से झगड़ा हुआ, और झगड़ा केवल ग्राउंड का खेल है तो नौजवान उसके बदले में एक अपने एक टीम बनाकर सौरभ को शाम को बुलाए कि हम आओ तुमसे बात करना है, पंचायत करना है। और उसके बाद सौरभ को इतनी बुरी तरह से सब खुले आम इतना सारा सारनाथ में हफ्ता के पास में मार कर फेंक दिए। तो ये परिवार के जब इसको मालूम हुआ कि हमारे भाई को कोई मार रहा है किसी दूसरे बंदे के, जो उस ग्राउंड के जो खिलाड़ी थे, तो ग्राउंड के खिलाड़ी ने इसको बताया कि तुम्हारे भाई को लोग मार रहे हैं। तो ये बंदा जब वहाँ गया तो भागते हुए सड़क पर गया तो 100 नंबर को सोचा कि 112 का फ़ोन करे, तब तक गाड़ी आ रही थी सुसाइड की। चौबे पुरेसो राजू सिंह ये बताया कि हमारे भाई को मार रहे हैं, तो इसको हम मदद के अलावा इसको मारते हुए थाने में लेकर रात भर चौबे को थाने में बंद किए। खुलेआम इसमें कोई बदमाशों का साथ दे रहा है तो चौबे पुरेसो दे रहे हैं, उस हत्यारा में ये भी मुलजिम बनेंगे, इनको भी जेल भेजने का काम समाजवादी पार्टी के हमारी जो टीम है उनको जेल भेजने का काम किया जाएगा। नेताजी बताया जा रहा है कि जो जिसके जो मृतक है उसके ऊपर कई सारे जो है मुकदमे, एक भी मुकदमा निकाल दे राजू सिंह तो बता दें, एक मुकदमा नहीं, फौज की तैयारी कर रहा था, वो ग्राउंड पर दौड़ लगाता था, अब मुख्यमंत्री जी के जाति के उनके रिश्तेदार हों उसको बचाए, देखते हैं बुलडोजर कब चलता है, बुलडोजर को गरीबों को मड़ा झोपड़ी गिरेगा तो ला दे बुलडोजर, क्या ला दे, क्या लगता है इसलिए कि मुख्यमंत्री के जात के हैं वो नहीं चला सकते हैं। आप इसको राजनीतिक बता रहे हैं? नहीं, किसी गरीब के साथ होगा, हम समाजवादी पार्टी लड़ने के लिए तैयार है, किसी जाति मत जाइए, आप लड़ाई आप बाहर लड़ेंगे जब तक मुकदमा यशो के ऊपर नहीं होगा। समाजवादी पार्टी कल से धरना बैठने काम करेंगे, कल तक नहीं करवाई होती तो। बताया जा रहा आपराधिक मामला है उसके ऊपर कई सारे, कोई अपराधी मुकदमा पता लगा लीजिए 151 भी होगा जो हमारे जाएंगे, गैंग कोई चलाता था, कोई गैंग की जिक्र है तो ये बताएंगे, तमाम गैंग बनारस में खुलासा करते पुलिस जान जाए। हम लगातार आप लोग मुलाकात कर रहे हैं, लड़ना बंद कर दे, सही काम करें लोग, लगातार आप लोग मुलाकात कर रहे हैं, क्या आश्वासन कर रहे हैं? इसलिए कि हमें न्याय मिलना चाहिए और उसमें मुलजिम यशो भी होना चाहिए। क्या आगे भी आप लोग जाएंगे? कहाँ तक? सदन तक जाएंगे हम लोग, कहाँ नहीं जाना, कल विधायक आए थे हमारे, एमएलसी आए थे, संगठन पूरा लगा हुआ है। चर्चा ये भी हो रहा है कि विधानसभा में भी इसकी चर्चा की जाए, विधानसभा में भी उठेगा मामला, इसके बाद हम लोग धरना भी देंगे जब तक यशो के ऊपर मुकदमा नहीं।